गाइज, इस वीडियो में आपको सांपों के बारे में कुछ ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स पता चलने वाले हैं जिनको सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सांप के काटने पर इंसान के मरने की खबर तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आजकल सांप के जहर से ही हार्ट डिजीज, कैंसर और स्ट्रोक्स की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, जो कि फ्यूचर में बहुत ही हाई लेवल पर बेची जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, पिट वाइपर से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। दोस्तों, आपने पेड़ पौधों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बात सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक प्रकार का सांप ऐसा भी है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अंडे पैदा करता है। जी बिल्कुल दोस्तों, बोया कंस्ट्रक्टर नाम की स्पीसीज पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। दोस्तों, जब बोया कंस्ट्रक्टर फीमेल को कोई सुइटेबल मेल नहीं मिलता है तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करके अपने अंडे खुद बनाती है और उसमें सभी अंडों में फीमेल्स ही जन्म लेती हैं। ये सांप साउथ अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जो कि नॉन वेनमस होते हैं, इनमें कोई जहर नहीं होता है। गाइज, आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ब्लैक मांबा सांप का नाम सुना ही होगा, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वेनमस या फिर कहें जहरीला स्नेक है, जिसके काटने से विद इन 45 मिनट्स एक इंसान की डेथ हो सकती है। और क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई सांप 2 साल तक बिना कुछ खाए सरवाइव कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, पाइथन और रेड स्नेक की कुछ स्पीशीज ऐसी पाई गई हैं जो कि 2 साल तक बिना कुछ खाए आसानी से जिंदा रह सकती हैं। इस सिचुएशन में वो अपने ही ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। रेड स्नेक और पाइथन की इसी एबिलिटी के कारण उनकी कई स्पीशीज के लुप्त हो जाने का कारण भी वैज्ञानिक यही बताते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो अपना बॉडी मैकेनिज्म रेट 72% तक ख़त्म कर सकते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि सांप को अगर सर से अलग कर दिया जाए तो वो मर जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सांप को सर से अलग करने के बाद भी उसका सर कई घंटों तक एक्टिवेट रहता है और ऐसी हालत में काटने पर भी उसका जहर किसी शिकार की बॉडी में पूरी तरह फैल सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। सांपों की बॉडी पर इंफ्रारेड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो हीट को महसूस कर लेते हैं और शिकार का आसानी से अंधेरे में पता लगा लेते हैं। दुनिया भर में सांपों की 3400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 600 ही जहरीले होते हैं। दोस्तों, कुछ सांप ऐसे पाए जाते हैं जो खुद तो जहरीले होते नहीं हैं, लेकिन बाकी के जहरीले मेंढकों से अपना जहर बनाते हैं। ऐसा ही एक सांप है टाइगर कील ब्लैक स्नेक, जो कि बिल्कुल पॉइजनस नहीं होता है, लेकिन वो अपनी डाइट के थ्रू जहर बना देता है और उस जहर को अपनी गर्दन में स्थित ग्लैंड में पैक करके रख लेता है। दोस्तों, इस फिनोमिना को एंटी प्रेडेटर एडेप्टेशन कहा गया है और ये अपने बच्चों में भी जहर को बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकता है। गाइस, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।